हमारे उज़्बेकिस्तान से इसको कहते हैं बेशिक, और तुर्की में बेशिक ताज कहते हैं, टीम का नाम है, फुटबॉल टीम का नाम है, और बुखारा में इसको कहते हैं गावारा। जो बच्चा पैदा होता है हमारे उज़्बेकिस्तान से, ये स्मॉल लकड़ी वाली चीज होती है, नॉर्मली वॉलनाथ की जो अखरोट की जो दरख्त होती है उससे बनाते हैं, बच्चे को इसमें ऐसे बांध करते हैं। 3 दिन से शुरू होते हैं जब वो अजान सुनाते हैं बच्चे को, तो इसी तरह सीधा करके उसको बांध करते हैं। बेचारे बच्चे 24 घंटे अगर हो गए तो एक दिन में कम से कम 18 घंटे 20 घंटे इसी में रहता है। तो जब वो मतलब रोएगा दूसरे करते हैं, ऐसे करने से बच्चा सो जाता है। अब सोच रहे होंगे तो इतने घंटे बच्चे अगर इसमें रहेगा तो वो वॉशरूम जाना, सुसु करना, वो कैसा होता है ये देखिए, उन्होंने कैसे सिस्टम बना के रखा है। देखिए इसके नीचे स्मॉल वो जो डिश होता है जो बाहर जाते है इसी के अंदर से नीचे चले जाता है, और लड़कियों के लिए ये होता है। इसको हम कहते हैं उज़्बेकिस्तान से बेशिक, बुखारा समरकंद में उसको कहते हैं गावारा। ठीक है, नॉर्मली बच्चे 3 दिन से कम 3 साल तक इसमें बड़ा होता है, इसीलिए उज़्बेक लोगों का जो मतलब वो जो बदन है वो शरीर है तो मतलब सीधा होता है ज्यादा, वो मतलब उज़्बेक लोग जो है मजबूत होते हैं, मजबूत होने की वजह इनकी उम्र ही बहुत बड़ी होती है। उसकी वजह ये है कि पहले दौर में औरतें बच्चे को बांधती थी, याद है, वो ऐसे करके बच्चा बंधा हुआ होता था, ये वो दिखाना चाह रहा था जी। सही है, ये बहुत याद है ना, उसे बंधना कहते थे, एक बंधा हुआ होता था बच्चे को, यूं बांधते थे, बांधते थे बच्चा यूं बंधा हुआ पड़ा होता था। अब भी देहातों में, सिंध के देहातों में ये चीज मौजूद है, सर भी बांधते, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। चलें जी।